जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने उसके माता पिता और ससुराल पक्ष पर कड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग दुल्हन द्वारा आत्महत्या के बाद जहां ससुराल पक्ष में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, वहीं अब उसके माता पिता के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। जानकारी के अनुसार कटंगी क्षेत्र के रहने वाले अच्छे लाल चौधरी और गीता बाई ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी की चोरी छिपे शादी कर दी थी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी। शादी के बाद लड़की को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। परेशान होकर मासूम नाबालिग ने 23 जुलाई 2024 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस ने शुरुआत में ससुराल पक्ष के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हालांकि जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि लड़की के माता पिता ने न केवल उसकी शादी कानून की नजरों से छिपाई, बल्कि उसके मौत के बाद भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसी के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 और 21 के तहत माता पिता के खिलाफ प्रकरण को दर्ज किया है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये स्पष्ट है कि नाबालिग की शादी कराना और उसे सुरक्षित माहौल प्रदान न करना कानूनी अपराध है। CSP लोकेश डाबर के अनुसार पुलिस मामले की जांच गहराई से कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 23/7/24 को एक महिला द्वारा फांसी लगाई गई थी, जिसके मर्गे की जांच की गई, जिसमें पता चला कि महिला है वो नाबालिग है, और जिसकी जांच में पाया गया कि जो लड़की के माता पिता हैं उन्हें इस संबंध में जानकारी थी, और इसके बावजूद उनके द्वारा किसी भी पुलिस अथॉरिटी को कोई जानकारी नहीं दी गई, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। इसीलिए पुलिस द्वारा धारा 19-21 पॉक्सो एक्ट के तहत माता पिता पर FIR दर्ज की गई है। लड़की के माता पिता ढीलाल चौधरी और माँ गीताबाई पर FIR दर्ज की गई है। ससुराल पक्ष पर मर्ग के तहत जो कायमी की गई थी उसमें ससुराल पक्ष पर कार्रवाई हो चुकी है, चूँकि जांच उपरांत यह भी ज्ञात हुआ कि माता पिता को संबंधित अपराध के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने तथ्य छुपाए, जिसके कारण पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये घटना एक बार फिर से समाज में बाल विवाह की प्रथा और इसके दुष्परिणामों को उजागर करती है। ऐसे मामलों में न केवल ससुराल पक्ष बल्कि माता पिता की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। पुलिस का ये कदम बाल विवाह और उससे जुड़ी समस्याओं पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ी चेतावनी है।